बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीदों की बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मारूश और वेलकम करती हूं आपका कुकिंग विद मारूश में। तो आज हम बहुत मज़े की रेसिपी बनाएंगे। आज की रेसिपी है हलीम की रेसिपी है, तो बहुत ही मज़े की होने वाली है। उसके लिए हमें ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए। पहले आप लोग सब देख लें। सबसे पहले ये हमने ली है, तो ये हमने ली है मूंग की दाल जो एक पाया है, और ये हमने लिया माश की दाल, ये भी एक पाया है। ये लिया मसूर की दाल, ये भी एक पाया है। ये चने की दाल, ये तीन पाया है। ये चिकन है 1 किलो, और ये प्याज और टमाटर है, और ये हलीम नेशनल वालों का हलीम मसाला है, और ग्रीन चिली और अदरक कटी हुई है, और ये ग्रीन चिली अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये एंड में तड़के के लिए हमने लिया है प्याज। तो आए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने प्रेशर कुकर में हमने लिया है ऑयल, दो मीडियम साइज़ के हमने प्याज लिए और दो टमाटर लिए। अब हम इसको ऑयल में डाल, जब ये अच्छी तरह रेड हो जाए, ब्राउन हो जाए, तब आप लोगों ने इसमें पेस्ट डाल देना है। लहसुन अदरक और ग्रीन चिली का पेस्ट। जब ये लाइट सा ब्राउन हो जाए, तब हमें इसमें टमाटर ऐड कर देने हैं। तो अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करने लगे हैं। सबसे पहले हमारे पास है रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर, चिली फ्लेक्स, चिकन पाउडर, ज़ीरा, और ये है गरम मसाला ब्लैक पेपर, और ये सूखा धनिया, और ये दालचीनी, और ये बड़ी इलायची। अब हम इसको ऐड करेंगे, मिक्स वेल। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन, अब हम ऐड करेंगे हलीम नेशनल की, हलीम मसाला नेशनल्स का। अब हम इसमें ऐड करेंगे हलीम मसाला ऐड कर दिया अब हमने, एंड में हमने डालने के लिए ये ऑयल निकाल लिया है। अब हम इसमें दाल ऐड करेंगे। सबसे पहले हमने ये माश की दाल ऐड की है इसके अंदर। अब हम इसके अंदर चने की दाल ऐड करने लगे हैं। अब हम इसके अंदर मूंग की दाल ऐड करेंगे। ये सारी दालें मैंने रात को ही भिगो दी थी। अब हम इसमें मसूर की दाल ऐड करने लगे हैं। अब हमने इसकी बनाई करनी है अच्छे से। अब हम इसमें पानी ऐड करने लगे हैं। पानी हमने इसके अंदर 4 ग्लास ऐड करना है। अब हमने इसको आधे घंटे के लिए वेट लगा देनी है। अब हमने वेट के बाद प्रेशर से निकाल के इसको हमने दूसरे बाउल में कन्वर्ट कर दिया था, खुले बर्तन में। और अब हमने इसको मधानी के साथ हिलाते जाना है। सबसे पहले हमने एक फ्राई पैन में ऑयल डाल के प्याज ब्राउन करना है। एक पैन में ऑयल डाल के थोड़ा सा तड़के के लिए ब्राउन करना है प्याज। अब ये प्याज ब्राउन हो गया, तो अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। सॉरी, ऑयल इसमें ऐड नहीं कर, इसमें ऐड करना है ये वाला हमने निकाला था, वही ऑयल अब ऐड करेंगे हम इसके बीच। जब प्याज ब्राउन होने पे आ जाए, तो हमने गोल लाल मिर्च डाल देनी है इसमें, 3 से 4 या 4 से 5। अब ये तड़का हमने इसके बीच डाल देना है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं आप लोग इसकी फाइनल लुक।
वीडियो आप लोग मेरे अगर आप लोग मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें. थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.